हेलो या दे आर आल्सो कंसिडर टू बी दिस इज हाउ दे सीम यू कैन हैव अ लुक हियर दिस इज हाउ दे लुक इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं ये नेकेड आईज में ऐसे आपको वॉर्म की तरह दिखाई देंगे दीज आर द दीज आर आर नाउ दे कॉल्ड टू बी राउंड वॉर्म्स इन्हें हम राउंड भी बोलते हैं वॉर्म्स भी बोलते हैं कैसे राउंड वॉम्स क्यों बोल पाते हैं हम इन्हें ध्यान ध्यान से सुनिए राउंड वम्स बिकॉज इनकी बॉडी राउंड होती है अगर इनके किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर हम कट कर रहे हैं यहाँ पे समझ लीजिए क्रॉस सेक्शन इसको कट किया हमने सो दे लुक द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वी फाइंड अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हियर एंड दैट इज वाई दे दे आर कॉल्ड टू बी राउंड वॉर्म्स दैट इज वाई वी कॉल देम राउंड वॉम्स ऑल्सो हम इन्हें राउंड वॉर्म्स बोलते हैं याद रखिएगा बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज वॉट

ऐसे वॉर्म की तरह दिखाई देते हैं वॉर्म जैसे दिखाई देते हैं फॉर एग्जाम्पल एलिगेंस 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 क्या होते हैं दीज आर फ्री लिविंग एक्वेटिक वॉर्म्स दीज आर फ्री लिविंग एक्वेटिक वॉर्म्स और एसकेलेम ओके दीज आर फ्री

पहले हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं दियर बॉडी इज ऑल्सो ट्रिपलो प्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट सो दियर बॉडी इज ट्रिपलो प्लास्टिक हो गया एंडोडर्म इन साइड वन एंड मिजोडर्म ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना तो जब लेस डेवलप्ड वेन वी हैव लेस डेवलप्ड लेस लेट मी राइट इट हियर ओके वेट आई हैव इट लेस लेस डेवलप्ड डेवलप्ड

लीके दीज आर बाईलेट्रल सिमेट्रिकल दीज आर बाईलिटली अगर आप क्योंकि क्यों ऐसा होता है बिकॉज दे आर राउंड ये स्ट्रे ये स्ट्रेट और राउंड होते हैं थिन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रेट और राउंड होते हैं तो अगर उनको आप कट करोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे होता है ना माउथ के बात का जो ट्यूब होता है uh, इसोफेगस से कनेक्ट होता है लार्निक्स और इेगस और लंग्स में जाता है राइट तो ऐसे माउथ फार्निक्स एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी ओपनिंग इंटेस्टाइन्स uterus and anus so they have all the organs present in their body that is why they consider to be organ system level of organization they are considered to be organ system level of organization and these are the first family and these are the first family or first kingdom let's say phylum in the animal kingdom which are pseudosilomate which are pseudocelumate let me write it here clearly

Okay, yes. so तो राउंड वार्मेते -like, हैं ठीक है दीज आर फ्री लिविंग और इंडो पैरासाइट ऑल्सो ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं दे हार्मेम राइट दे हार्म देम बिकॉज दे गेट देअर न्यूट्रिय फ्रॉम देअर बॉडी ओनलीकेर इक्विटिक इंटरेस्टेल Their body animal is triploblastic. They are triploblastic, They are pseudocoelomate. These are the first uh, phylum of animal kingdom which are pseudocoelomates. You remember that. They are, now, there is one difference between the platyhelminthes and echinodermata. That that they are you remember this. They are non-segmented. ओके okay, ये सेगमेंटेड नहीं होते जैसे वहां पे हमने देखा सेगमेंटेड बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके नहीं बनते हैं दे आर नॉट सेगमेंटेड एंड कवर्ड किससे कवर्ड होते हैं कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल टफ क्यूटिकल टफ क्यूटिकल मतलब स्किन एक स्किन से कवर होते हैं स्किन वो भी साइनिंग स्किल साइनिंग स्किल याद रखना साइनिंग वाले स्किल से कवर्ड होते हैं सो दे आर कंसिडर टू बी टफ क्यूटिकल नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्हें एस्केरिस ले लें तो इनकी बॉडी में जस्ट रिमेम्बर देयर बॉडी इनका बॉडी जो इनकी बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है फ, 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 का जिसमें कि इनकी बॉडी में फीमेल और मेल दो अलग तरीके के बनते हैं मेल इज शॉर्ट शॉर्ट एंड फीमेल इज लॉन्ग वेरी लॉन्ग और मेल का ये जो ये हिस्सा दिख रहा है ना दिस इज राउंड ओके देयर टेल इज राउंड देयर टेल इज

िकल एंड राउंड राइट दीज आर सिलेंडिकल एंड राउंड इस तरीके से समझिए तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तोल सिमिट्री आएगी ना आपको बायोलेक्ट्री बायोलेक्ट्रल सिमिट्री मिलेगी आपको राइट नाउ लेट्स एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एंड टाइप ऑफ दीज तो फॉर एग्जाम्पल एसक्रिस में हमने पढ़ा ये पाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर दीज आर कंसिडर टू बी इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल वर्म्स ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं ह्यूमंस में इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं अगर आप कोई भी आ, मतलब खराब खाना खाते हैं या फिर पुराना या फिर आप को, कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल एक कोलगेट वगैरह बहुत से बच्चे ऐसे बचपन में आ जाते हैं उनको ये एस्केरिस जैसे वार्म इनसाइड द पेट जनरेट इनसाइड द स्टमक दे जनरेट इनसाइड द नाउ एक होता है वॉर्म ये बहुत इंटरेस्टिंग है वॉर्म फिलेरेल कीप इट हियर सो यू कैन सी इट क्लियरली जहां से देखिएगा इस टाइप के वम्स का क्या है फ्लेरियल वार्म्स जो होते हैं इनका टाइप क्या है कि ये इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं ओके okay, लेट so ये इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं are, वो, यहां पे क्या है? फ्लेरियल वो होते हैं फ्री आई विल राइट भी कहते हैं इन्हें और दे इनकी वजह से क्या होता है ह्यूमंस में फिलरियस फ्ले फिल एक डिसीज हो जाती है जिसमें जिसको हम एलिफेंट के जैसे लेग हो जाता है लेग इन्फेक्ट होके इतना स्वेलिंग होती है स्वेलिंग हो जाता है तो ऐसा लगेगा जैसे हाथी पाव है हाथी एलिफेंट जैसा लेग हो चुका है ठीक है सो ये किस वजह से होता है फ्लैर फिलैरियल वॉर्म की वजह से होता है जब वो हमारी बॉडी में आता है सो वी गेट यहाँ पे एक हमें डिसीज पता होती है दैट इज कॉल्ड फिलाय रिसेस ओके तो ये हाथी पांव कहलाता है ये आई विल राइट इट हाथी पांव पांव ठीक है ये मतलब कि आपका जो लेग है इन्फेक्ट होके इतना फूल जाता है ओके okay? बहुत ज्यादा फूल जाता है सो दैट इज बिकॉज़ ऑफ किसकी वजह से फिलारियल वर्म्स की वजह से है एक होता है लोआ लोआ ओके okay? लोआ लोआ आई वॉम भी होता है, जो आंखों में चला जाता है राइट right? उ दे आर सेग्रीगेटेडर एग्लैट दे सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो भी इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं याद रखियेगा दे ऑल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी वो भी इंटेस्टाइन वो भी फूड

ये पिन की तरह दिन का दिख रहा है इसलिए पिन वॉर्म कहा गया इनको ओके सो हियर कंप्लीट आवर टुडेस क्लास एज वेल लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस